हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाजिया कनेक्ट्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्तपम। मेरे लिए मील प्लानिंग का जो सबसे टफ पार्ट होता है वो होता है ब्रेकफास्ट। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और ब्रेकफास्ट रेसिपी। साथ ही हम बनाएंगे उत्तपम का बैटर। ये वो सेम बैटर है जिससे हम डोसा और इडली भी बनाते हैं। इस बैटर को आप बना के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी, लाइट और क्विक बनने वाला ब्रेकफास्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले हम उत्तपम का बैटर तैयार कर लेंगे। ये वो सेम बैटर है जो हम इडली और डोसा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बैटर के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप राइस, 1/3 कप उरद दाल, साथ ही लेंगे 1/4 कप पोहा या जिसे हम चिवड़ा या चूड़ा भी कहते हैं, और 1/2 टीस्पून मेथी दाना। अब सभी चीजों को हमें 7 से 8 घंटे पानी में सोख कर लेना है। तो मैंने एक बाउल में यहाँ सोख किया है राइस और पोहा, और दूसरे बाउल में सोख किया है दाल और मेथी दाना। मैंने इन्हें पहले से ही भिगो कर रखा था, तो चलिए अब इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ग्राइंडर के जार में डाला ये चावल और भिगोए हुए पोहे। हम पानी कम ही इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इस तरह से चम्मच से निकाल रही हूँ ताकि पानी सारा बाउल में ही रह जाए और सिर्फ चावल और पोहा डालें। अगर पीसने में ज़रूरत हो तो आप 2-3 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इसी तरह से हम दाल और मेथी दाने का भी पेस्ट बना लेंगे। और अब इस बैटर को हम किसी डब्बे में रख देंगे और इसे किसी गर्म जगह पे अराउंड 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए। गर्मियों का दिन है तो 12 घंटा काफी होता है इसे फर्मेंट होने के लिए, और अगर सर्दियों का दिन है तो 18 से 20 घंटा भी लग जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि बैटर कैसा फर्मेंट हुआ है। आप देख सकते हैं कि बैटर की क्वांटिटी बढ़ गई है। पहले डब्बे में बैटर यहाँ तक था और अब ये ऊपर तक आ गया, तो ये अच्छा फर्मेंट हो गया है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब हमें जितना उत्तपम बनाना है हम उस हिसाब से बैटर ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे अराउंड 10 टेबल स्पून बैटर ले रही हूँ, और अब इस बैटर में ऐड कर देंगे सॉल्ट। तो मैंने 10 टेबल स्पून के लिए अराउंड 1 टीस्पून सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं इसमें डालूंगी अराउंड 1 टेबलस्पून पानी। पानी डालते वक्त ध्यान रखें इसका बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। तो ये देखिए, हमें बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अब वेज उत्तपम बना रहे हैं तो हमें चाहिए लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून प्याज, 2 टेबलस्पून हरी शिमला मिर्च, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 2 टेबलस्पून लाल शिमला मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा धनिया पत्ती, और ये लेंगे सांभर मसाला। अभी वेजिटेबल्स को मैं एक बाउल में मिक्स कर लूंगी ताकि उत्तपम के ऊपर डालना आसान हो जाए। तो ये मैंने इसमें डाला प्याज, हरी शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लाल शिमला मिर्च, या इसकी जगह पे आप टमाटर भी डाल सकते हो, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है, धनिया पत्ती, और ये थोड़ा सा अदरक मैं इस तरह से ग्रेट करके डालूंगी। सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप अपने पसंद के और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर या हरी प्याज। तो चलिए अब उत्तपम बनाते हैं। मैंने यहाँ एक पैन लिया है और उसमें डाला अराउंड 1/2 टीस्पून ऑयल। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम ऑयल लिया है इसे बनाने के लिए। पैन और ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। ऑयल को हम पूरे पैन में इस तरह से ब्रश कर देंगे, और अब हम पैन में डालेंगे उत्तपम का बैटर जो हमने बना के रखा था। तो आपको जिस साइज का उत्तपम बनाना है उस हिसाब से बैटर डालें। मैं यहाँ मिनी उत्तपम बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़े थोड़े बैटर डाल रही हूँ ताकि मैं एक साथ 3 बना सकूँ। आप चाहें तो एक ही उत्तपम बड़ा सा भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे जो वेजिटेबल्स का मिक्स हमने बना के रखा था, तो इस तरह से मैं इसे डाल दूंगी इसके ऊपर। सब्जियाँ अच्छे से डालेंगे ताकि पूरे उत्तपम के ऊपर सब्जियाँ आ जाएं। अगर आपके पास उत्तपम का बैटर रेडी है तो ये नाश्ता आप सुबह में बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। 5 मिनट में आपका नाश्ता रेडी हो जाएगा। सब्जियों के बाद बारी आती है सांभर मसाले की। तो सांभर मसाला इस तरह से हम उत्तपम के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। सांभर मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है, तो आप इसे जरूर डालें। 1 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से पैन में छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे किसी लिड से। उत्तपम को हम इस तरह से कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 4 मिनट हो गए हैं, तो चलिए लिड हटा के देखते हैं। आप देखेंगे कि उत्तपम थोड़े से फूले फूले लग रहे हैं, तो वो सही इंडिकेशन है कि उत्तपम अच्छे से पक गया है।
अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे, अराउंड 1 to 2 teaspoon. बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लगता है इसे बनाने में, ये एक बहुत हेल्दी नाश्ता भी होता है. और अब हम इसे पलट देंगे. तो ये एक तरफ से सिक गया है, तो अब दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं इसे इस तरह से पलट कर. ये देखिए कितना अच्छा सिका है, दूसरी तरफ से कितना अच्छा ब्राउन दिख रहा है. आप चाहें तो इसे बनाने के लिए ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इसका अरोमा और भी अच्छा हो जाता है. 1 से 2 मिनट हम इसे ऐसे ही पैन में छोड़ देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सिक जाए. 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए इन्हें पलट कर देखते हैं. और ये देखिए कितना अच्छा उत्तपम सिका है. अनियंस जो है वो हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, सभी वेजिटेबल्स अच्छे से इसके साथ स्टिक कर गए हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ऊपर से हमने रखा था, एकदम सब साथ में अच्छा सा पक गया है. अब मैं एक और उत्तपम आपको बना के दिखाती हूँ बिना ऑयल के. तो हम पैन को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और अब इसमें डाल देंगे उत्तपम का बैटर. जैसे आप उत्तपम का बैटर डालेंगे तो वो खुद ब खुद राउंड शेप का होने लगेगा, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है उसका शेप करने के लिए. और अब इसके ऊपर डाला वेजिटेबल्स, थोड़ा सा सांबर मसाला. आप कोई भी ब्रांड का सांबर मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप जरूर इस्तेमाल करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है. और अब 1 मिनट के बाद इसे इस तरह से कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट पकने देंगे. चलिए इसे हटाकर देखते हैं और ये इसे पलट देंगे. अच्छा, आपने देखा कि इस उत्तपम में मैंने बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं किया, तो आप चाहें तो इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं. बस पैन नॉनस्टिक का इस्तेमाल करें ताकि बनाने में आसानी हो. तो ये इस तरफ से भी अच्छा सिक गया. चलिए मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ. गर्मा गर्म उत्तपम तैयार है. सर्व करें इसे नारियल की चटनी या फिर मूँगफली की चटनी के साथ. मैं इसे आज सर्व करी हूँ मूँगफली की चटनी के साथ. आई एम श्योर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो ट्राई कीजिए इस ईजी हेल्दी एंड डिलिशियस ब्रेकफास्ट को और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.